कैसे हैं आप लोग। आज मैं करूँगा मोटोरोला E4 के कंप्लीट कैमरा रिव्यू, और आपको बताऊँगा इसका कैमरा किस हद तक अच्छा है और किस हद तक बेकार है। तो इसका जो बैक कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर के साथ, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर के साथ। और एक बार मैं बता दूँ कि वीडियो के बाद मैं पिक्चर्स के सैम्पल और वीडियो सैम्पल जो है अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, ताकि आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर कैमरा ओपन है, तो हम सबसे पहले पिक्चर ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको इंटरफेस बता देता हूँ उससे पहले। यहाँ पर है ब्यूटीफाई मोड, फ्लैश ऑन कर सकते हैं आप, HDR है और टाइमिंग लगा सकते हैं। और इस कैमरा पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से वीडियो पे जा सकते हैं और यहाँ से जो है पैनोरामा मोड पे ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ HDR के बगैर, और फिर मैं HDR के साथ एक पिक्चर ले लेता हूँ। HDR ऑन करके टैप करके फोकस करके पिक्चर ले लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको देखता हूँ, दिखाता हूँ कि पिक्चर आई कैसी है। तो लेट्स सी कैसी पिक्चर आई है। तो ये HDR के साथ पिक्चर है, जो कि काफ़ी काफ़ी नॉइस है इस पिक्चर में। हल्का सा हम इसको जो है जूम कर रहे हैं, तो इसमें जो है काफ़ी नॉइज़ नज़र आ रही है अभी से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि पिक्चर इतनी ख़ास नहीं आई, नॉर्मल पिक्चर है। और इसका बैक कैमरा जो है वो काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहा है और इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे की मैं कुछ सैंपल दिखा देता हूँ आपको, तो आपको फ्रंट कैमरे का भी अंदाज़ा हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्रंट कैमरे का सैंपल है। फ्रंट कैमरा जो है काफ़ी इस रेंज में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये बात भूलनी नहीं है हमें कि ये सुपर बजट फ़ोन है। लेकिन इसका जो बैक कैमरा है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये गियोनी और क्यू मोबाइल जैसा बैक कैमरा है। देख सकते हैं यहाँ पर लेनोवो तक सही से लिखा हुआ नहीं दिख रहा, और पिक्चर बहुत ब्लरी हो जाती है। हमें जो है काफ़ी बार जो है एक दो बार शूट करने का पिक्चर सही आती है। तो ये थे इसके कैमरा रिव्यू। और अगर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं आपके सामने, तो देखते हैं वीडियो की तरफ जाते हैं। और वीडियो पे देख सकते हैं, वीडियो पे जो है पाम का ऑप्शन है, और आप फ्लैश लाइट जला सकते हैं वीडियो पे, टॉर्च जला सकते हैं, इसका मतलब टॉर्च पे लगा सकते हैं वीडियो। और थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, तो लेट्स गो। तो अब ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, तो देखते हैं ये मेरी वॉइस जो है कैसे लाता है, और वॉइस कैंसिलेशन माइक इसके अंदर है भी कि नहीं है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसका फोकस का स्पीड, तो फोकस भी कर रहा है ये, लेकिन थोड़ा लेट करता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि फोकस कर रहा है। तो ये मत भूलें कि ये सुपर बजट फ़ोन है, और इसमें जो है ये वीडियो वीडियो जो बना रहा है वो काफ़ी अच्छी बना रहा है। सो अब देखते हैं कि कैसा वीडियो आई है इस पे, लेट्स सी। और स्पीकर भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी भी आ रही है, और वीडियो के लिहाज से जो है काफ़ी अच्छा है, और वीडियो जो है आप 720 पिक्सल से बना सकते हैं। तो ये थी इसे फुल कैमरा रिव्यू, और वीडियो के बाद जो है मैं पिक्चर और वीडियो अटैच कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वारगी बैंड को। थैंक यू सो मच।